राजस्थान के भीलवाड़ा के पास बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जीप और बस की टक्कर में मंदसौर के 9 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 3 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सोमवार की रात 10 बजे हुआ। सभी जीप में सवार थे। मृतक भीलवाड़ा से एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी उनकी जीप की टक्कर रोडवेज की बस के साथ हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप के परकच्छे उड़ गए। यह हादसा बस को ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार लोग मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील के संधारा के त्रिलोक पंडित परिवार के हैं। ये शादी समारोह में शामिल होकर वापस गाँव लौट रहे थे। यह दुखद घटना की खबर लगते ही गाँव में मातम पसर गया। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम कर संधारा गांव में लाया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता के लिए सहयोग की घोषणा भी की गई एवं गांव में मृतकों के परिजनों के साथ में हर संभव सहयोग के लिए अधिकारियों प्रभारी के रूप में पहुंचाया गया। इस गमगीन माहौल में सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान काचोला के नायब तहसीलदार ने बताया कि रात की 10:25 पर फोन आया कि भीलवाड़ा कोटा रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और 2 ने बाद में दम तोड़ा था। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश द्विवेदी। हाँ, कैसे क्या हुआ, कुछ पता बता। ये रात्रि 10 बजे हमें सूचना मिली, जोर से रात्रि 10 बजे हमको सूचना मिली, जो संधारा के जो त्रिलोक जी का परिवार और ये ब्रजमन बैरागी के पुत्र जो वहाँ गए थे शादी में भीलवाड़ा। कितने लोग गए थे? करीब 13 लोग थे। रात 10 बजे करीब हमें सूचना मिली थी कि भाई इनका एक्सीडेंट हो गया, बस से गिर गए ये लोग। तो हमने यहाँ से गाड़ी रवाना करी, उसमें 9 लोगों की तो भी पुष्टि हो चुकी है जिनको वहाँ से लाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। और प्रशासन का पूरा सहयोग मिला हमको। रात को तहसीलदार साहब वगैरह सब रवाना हो गए थे। माननीय कमलनाथ जी ने भी वो करी है, उसके लिए जो भी रहेगा पूरा चलेगा, सारी योजनाओं का वो कह रहे हैं कि मैं इसमें जितना भी हो सकता है आर्थिक सहयोग मुख्यमंत्री साहब से। तो इसमें परिवार की क्या स्थिति रही सारे सब? हाँ, परिवार में से करीब कम आप मान के चलो कि 7 मेंबर एक ही परिवार के गए हैं। अच्छा। जिनमें से ये है कि किसी की एक बच्ची रह गई है, उसके पिता गुजर गए हैं, माँ की स्थिति ये दयनीय है कि वो चल नहीं पा रही है। अच्छा। इसमें क्या है, परसों ये जो त्रिलोक जी है इनकी बहन रहती भीलवाड़ा, तो उसके लड़के के शादी थी, तो ये मौसरा लेके गए थे। अच्छा। परसों तो करीब दिन में निकले थे यहाँ से और कल 10:30 बजे हम लोगों को खबर मिली। जैसे ही खबर मिली तो फिर यहाँ गांव से गाड़ी करके। क्या खबर मिली आपको, कैसे क्या हुआ? क्या एक गाड़ी का एक्सीडेंट, रोडवेज बस से टकरा गई है, टकरा गई और एक भीषण विभत्सकारी हादसा हो गया है। तो फिर तत्काल मौके पे यहाँ पे संसार में टीआई वगैरह भी आ गए थे। और नगर की क्या स्थिति है? नगर में तो पूरा मातम छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। ठीक सर, इस प्रकार की जो घटना हुई आज संधारा में, जो भीलवाड़ा से शादी में गए हुए थे परिवार और लौट के जो आ रहा था, और आपके क्षेत्र की घटना है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? एक्चुअल में घटना जैसी सुनी है बहुत दुखद घटना है। मैं भी आज सुबह मुझे जो जानकारी मिली, और एक और दुख की बात यह है कि मेरे स्वयं काका जी का भी स्वर्गवास आज ही हुआ, और जो सुबह टेलीफोन आया ये समाचार भी साथ में मिला। तो मैं पूरे परिवार के साथ भानपुरा से पहले और काका जी के दाह संस्कार में गया। दाह संस्कार करने के बाद में मैं सीधा अभी यहाँ संधारा आया हूँ। हालाँकि इस दौरान भी मेरी लगातार प्रशासन से, कलेक्टर से बात होती रही, SP से बात हुई है, उन्होंने सब वहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी भी मुझे दी है, और अन्य जो शासन की सहायता तुरंत देना चाहिए सरकार का दायित्व है, इसकी मैंने बात की कलेक्टर साहब से। उन्होंने कहा कि मैंने लगातार बात की है, वहाँ भेज दिया है, और अभी कलेक्टर साहब का जैसा मैसेज आया कि वो मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख की सहायता मृतक के परिवारों को और 50,000 की सहायता घायलों के परिवारों को घोषणा की है। फिर कलेक्टर साहब ने ये भी बताया कि जो सड़क दुर्घटना मत जो है जिसका अधिकार मुझे है, उसमें से भी मैंने 15,000 मृतक के परिवार को, 7,500 घायल के परिवार को देने की घोषणा की है। परंतु खैर ये इसकी जगह, परंतु जैसे घटना घटित हुई है वो एकदम हृदय झकझोरने वाली घटना है। इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना पहली बार सुनने को मिली, और इसलिए ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, हम सभी बहुत दुखी है इस घटना के कारण।
सर, ये जो रात को जो राजस्थान में जो घटना हुई ब्राह्मण परिवार के साथ जो शादी से लौट रहा, ये सूचना आपको कब मिली और इसमें कितने लोग थे टोटल? सर, ये सूचना रात को 10:15 के आसपास मिली। 15 मिनट बाद में हम मौके पे पहुंच गए थे और पुड़जर और एक रोडवेज बस थी जो कोटा से भीलवाड़ा जाती थी, उसमें आमने सामने की बीगोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना घटित हुई। हम 15 मिनट में मौके पर पहुँच गए और 7 लोगों ने मौके पर दम तोड़ चुके थे। सर, इसमें कितने जो घायल है जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है और राजस्थान सरकार के द्वारा उनको क्या उपचार दिया जा रहा है? उपचार जो भीलवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें उनका उपचार किया जा रहा है। रात को जो रेफर किए थे उनमें से 2 लोगों ने रात को दम तोड़ दिया, उनका पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी उनकी भी साथ में आ चुकी है। सर, राजस्थान सरकार को जो एक्सीडेंट हुआ इसमें कोई सरकार की तरफ से कोई राशि की घोषणा की गई क्या? नियमों के तहत जो भी राशि होगी, जो भी प्रावधान होगा गवर्नमेंट की तरफ से सहायता राशि का, वो बिल्कुल मिले। सर, आपका क्या नाम है और क्या पद पे आप? जी, मेरा नाम नरेश गुजर है, मैं नायब तहसीलदार काचोला जो मांडलगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।